हेलो एंड वेलकम अगेन टू चैनल इंडियन गर्ल इन यूरोप। आज मैं एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ। वीडियो एंड तक देखना क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस जो हैं वो प्रोडक्ट्स जो हैं मैंने ऑर्डर करे हैं वो भी वेबसाइट टेमू से। पहले जो वीडियो में मैंने आपको बताया था टेमू क्या एक चाइनीज़ कंपनी है, तो नहीं, टेमू चाइनीज़ कंपनी नहीं है। और भी बहुत सारे फैक्ट बताए थे उस वीडियो में, तो वो देखो। पर इस वीडियो में सबसे पहले तो मैं टेमू को जो है वो थैंक यू बोलती हूँ क्योंकि उन्होंने स्पॉन्सर किया है ये वीडियो और मेरे पास आए बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो कि ऑफ़ कोर्स हम लोग रिव्यू करेंगे। कुछ कपड़े भी आए हैं, कुछ हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स आए हैं जो जर्मनी में काफ़ी महंगे मिलते हैं और टेमू में उस तरीके के ऑप्शंस बहुत सारे थे। अब क्वालिटी कैसी है, फेक प्रोडक्ट्स हैं या नहीं, एक दो यूरो में कैसे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, उसके लिए तो आपको हॉल पूरा देखना पड़ेगा। तो हमारे पास आया है ये सब कुछ। कुछ चीज़ें मैंने कपड़े पहन के देखे थे ताकि मैं आपको क्वालिटी और फिट वगैरह बताऊं, तो इसलिए खुले रखे हुए हैं ये सब। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो जैसा आपको दिख रहा है। पहले सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेरे फेवरेट कैटेगरी से। तो मेरी फेवरेट कैटेगरी जो है वो है कपड़े। तो सबसे पहला जो आपको दिख रहा है ये लेमन येलो कलर की जो टी शर्ट है ये मेरे पास वहाँ से आई है और मुझे काफ़ी अच्छी लगी है क्योंकि फिट जो है बहुत ही रिलैक्स्ड फिट है। इसके बाद ये टी शर्ट, ऑफकोर्स ये उल्टी है क्योंकि मैंने इसे पहन के देखी थी जस्ट टू शो यू द क्वालिटी, तो ये भी काफ़ी अच्छी है। एंड देन तीसरा इज दिस ब्लैक टी शर्ट, ये भी काफ़ी अच्छी फिट है। एंड दिस कॉयर, इस तरीके के जो सेट्स हैं ये सेम, तो शॉर्ट और टी शर्ट ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे लगते हैं। मैं आपको कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करे थे वो डाल देती हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अब चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ। अच्छा, इन बिटवीन मैं आप लोगों को कुछ कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें भी बताती रहूँगी। जब टेमू आया था तो मुझे लगता था कि बहुत ही फेक है, एक बैग एक यूरो टाइप का मुझे मिल रहा था जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था, जो मुझे लगा था ये तो फेक वेबसाइट है, जो ऐसा नहीं है क्योंकि मैंने उसके बाद दो तीन बार मंगाया है और प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा आ गए। मैंने बहुत सारे ऑप्शंस जो थे जैसे बेल्ट हो गया, कैरिंग बेल्ट तारा के लिए, वो मैंने अमेज़ॉन से कंपेयर करे और अभी बिकॉज यूरोप में टेमू जो है वो लॉन्च हुआ है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रेट्स में जो है वो मिल रहे हैं। तो कुछ इनसाइट्स की कहाँ से क्या होता है वो बता देती हूँ। अब इसके बाद मैंने कुछ घर के लिए बहुत सारी चीज़ें मंगाई थी क्योंकि घर डेकोरेट करना मुझे और दीपक दोनों को पसंद है। पठान ये घर के लिए नहीं है, ये बाथरूम के लिए है, तो ये सेट जो है ये मतलब आप फिक्स कर सकते हो और इसमें आपको जो भी सामान है वो लगा सकते हो। इसके लिए उनके ऑप्शंस भी आए हैं कि कैसे लगाना है, तो सब कुछ जो है वो आ जाता है। एंड इसके बाद क्योंकि मैं ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स ज़ीरो हैं, ज़ीरो से भी अगर माइनस में हो सकती है तो मैं बोल सकती हूँ कि माइनस में है, तो मैंने सोचा कि क्या किया जाए कि मेरी वार्डरोब जो है वो थोड़ी अच्छी दिखने लगे, ऑर्गेनाइज दिखने लगे। रीज़न ये भी है, एक तो मैं को कपड़े नहीं मिलते जो मुझे चाहिए होते हैं, तो मुझे एक ऑर्गेनाइज चाहिए कि यार मुझे हर चीज़ जो है वो दिखती रहे, उसके लिए मैंने इस तरीके की चीज़ें मंगाई हैं। एंड देन जब मैंने उसे रखा तो बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाता है। पहले मुझे लगा था कि नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा मंगाए हैं और डिफरेंट साइज़ के मंगाए हैं। एक ट्रिक मैं आपको ये बता सकती हूँ कि आप अपने वार्डरोब का जो भी साइज़ है, जहाँ भी आपको ये इस तरीके की चीज़ें रखनी है वो मेजर कर लो और उस हिसाब से आप मंगा सकते हो। उसमें आप काफ़ी सारी चीज़ें रख सकते हो, जैसे सॉक्स है तो सॉक्स के पेयर नहीं मिलते हैं, राइट, एक पेयर होता है तो दूसरा पेयर नहीं मिलता है, तो इस वजह से आप सॉक्स जो है वो रख सकते हो, अपने अंडरगारमेंट्स रख सकते हो, बाकी स्टॉकिंग्स वगैरह होती हैं वो छोटी छोटी चीज़ें, रुमाल जो आपको मिलने में बहुत डिफ़िकल्टी आती है, वो सारी चीज़ें आप इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हो। और मैंने अपनी वार्डरोब में ऑलरेडी जो है वो रख रखा है, वो मैं आपको अभी बताती हूँ, और वो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गया। उसी का लगाने का है। अब मैंने किचन के लिए कुछ चीज़ें मंगाई थी, और किचन के लिए इसलिए मैंने कुछ चीज़ें मंगाई थी क्योंकि मेरे पास एक तरीके की नहीं थी, तो यू कैन सी दैट देयर आर लॉट ऑफ स्पूंस। एंड दिस जो केक के ऊपर आइसिंग करने के लिए होता है उसको भी मैं खोल देती हूँ, ये देखो। एंड दिस, तो इसे हम बोलते हैं करछी, देन ये ब्रश, एंड देन ये कलर अच्छा है एंड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। अभी हम एक चीज़ लास्ट में ट्राई करेंगे मैं, लेकिन आपको बता देती हूँ, टेमू में ये लोग बोलते हैं मैजिक पेपर,
मतलब इससे कुछ भी चीज़ साफ हो सकती है एंड मुझे नहीं पता ऐसी भी कोई चीज़ होती है क्या. एंड बहुत ही कम, आई थिंक 50 सेंट या 1 यूरो का कुछ है. बट दे से दैट इट्स अ मैजिक पेपर, तो मैजिक पेपर को हम लास्ट में टेस्ट करेंगे, इसको थोड़ा साइड में रखते हैं. देन फुटवेयर, तो मैंने फुटवेयर भी जस्ट चेक करे कि देखते हैं, अभी समर सीज़न चल रहा है तो मैंने समर सीज़न में अच्छे लगते हैं इस तरीके के अगर आप कुछ भी फुटवेयर पहनते हो तो. बट ये साइज़ जो है मुझसे गलती से बड़ा हो गया, मुझे लगा एशियन साइज़ होगा और एशियन साइज़ के हिसाब से मैंने 2 साइज़ बड़ा मंगा लिया तो ये बड़ा आ गया. बट स्टिल अगर आप लुक की वाइज करो तो वो अच्छा है. और ऐसे बॉक्स में जो है वो आया है. अब है ये, ओह माय गॉड, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है. हाँ, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं. अब मैंने आपको बोला था मैंने कुछ कुछ चीज़ें जो है वो ऑर्गेनाइजिंग के लिए मंगाई है, लाइक ट्रेस, बाथरूम वगैरह. तो इस तरीके की चीज़ें जो होती है ना, इसमें आप आराम से सामान रख सकते हो, वो फैला हुआ नहीं लगता. जैसे अगर अभी आप देखो तो बहुत ज़्यादा फैला हुआ सामान है. तो जैसे आपको वार्डरोब के अंदर ऑर्गेनाइज करना है, आपके बाथरूम के वार्डरोब पे, किचन के वार्डरोब पे, तो ये जनरली बाथरूम का वार्डरोब है उसके लिए है. और ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो इसमें आप कुछ कुछ सामान जो है वो डाल सकते हो. तो 1, 2, 3 जो है वो मंगाना करें. और अगर आप इस तरीके की चीज़ें जर्मनी में ढूंढने जाओगे, इवन अगर मैं बोलती हूँ यूरोप में भी ढूंढने जाओगे तो भी आपको मुश्किल से मिलेगी. फिर उसके बाद है ये, हाँ ये जो है ये भी ऑर्गेनाइजिंग के लिए ही है. तो मैंने मेकअप वगैरह जो है उसको रखने के लिए मंगाया था, और इसके अंदर मैंने टीमों से भी जो सामान है तो वो भी अंदर रख चुकी हूँ मैं. अब हम देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है. तो एक वॉच है जो मैं आपको नहीं दिखाऊंगी क्योंकि बहुत ही फर्जी दिख रही है और आप बोलोगे कि यार ये क्या है, बट उन्होंने मुझे भेज दी, मैंने बिल्कुल नहीं मंगाई थी. मैं ये तो बिल्कुल नहीं दिखाऊंगी आपको, जो अच्छी चीज़ें हैं वो दिखाऊंगी और जो अच्छी चीज़ों की लिंक है वो भेजूंगी, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डालूंगी. दूसरी ये है, ये जो है ये इस तरीके के छोटे छोटे बॉक्स जो हैं वो मुझे फ्रिज को ऑर्गेनाइज करने के लिए चाहिए थे. तो ये मैंने काफ़ी सारे मंगाए हैं ताकि हमें फ्रिज में, क्योंकि छोटी छोटा सामान बच जाता है वो हम लोग रखते हैं, तो उसके लिए मैंने ये जो है ये मंगाए थे. और ये काफ़ी अच्छे हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं लेगा और अच्छे से जो है मैं ऑर्गेनाइज कर पाऊँगी. अगेन आई एम जस्ट टेस्टिंग आउट टेमू के साथ मेरी ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स कैसी जा रही है. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आई है, वो है पोर्टेबल मिनी प्रिंटर, जिसमें इतना छोटू सा है और ये प्रिंट कर देगा. इसके साथ आए हैं कुछ रील्स और पेन, जो अपने स्केच पेन्स होते थे उसके कलर्स. आई वॉन्ट टू टेस्ट दैट, लेट्स सी अगर हम इसे टेस्ट करते हैं या नहीं, उसके लिए भी हम वेट करते हैं. तो पहले वो जो मैजिक पेपर है और ये जो प्रिंटर है. अब मेरा ना हमारे किचन में एक वॉल जो है वो बहुत ख़राब हो गया है, क्योंकि ऑफकोर्स हल्दी के दाग लग जाते हैं, कचड़ा हम लोग फेंकते हैं उसके. तो उसको ना छुपाने के लिए मैंने ये जो है वो वॉलपेपर मंगाया है, और ये चिपकाने वाला है. तो आप पीछे स्टिकर देख रहे हो, ये चिपकाने वाला है एंड काफ़ी अच्छा इसका आर्ट है. अगर आपको इसको दिख रहा है तो ये कितने पीसेस हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हैं. और इसको मैं लगा दूंगी एंड आई थिंक ये काफ़ी अच्छा लगने वाला है लगाने के बाद. तो इस तरीके की भी चीज़ें होती हैं, जैसे स्टिकर्स हो गए, आपको आपकी वॉल ख़राब ना करनी है, आपको कुछ अच्छा लगाना है, तो इस तरीके की भी ऑप्शंस आप देख सकते हो. और ये मैंने जस्ट फॉर अ ट्राई के लिए मंगाया था, मुझे क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी. एक चीज़ जो मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ करने वाली हूँ और आपको देख के भी लग रहा होगा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है, वो है ये लोग लिखा हुआ है वैक्यूम फ्लास्क सेट. तो फ्लास्क सेट है और ये है कैंपिंग वगैरह के लिए, हम जब जाते हैं उसके लिए है. इसमें 2 कप तो हैं ही हैं साथ में, और एक है सरप्राइजिंग कप अगेन, तो इसके ऊपर भी एक है. और ये थर्मस जैसा है, तो आपको जैसे बाहर जाना है, हम लोग काफ़ी जाते रहते हैं, चाय वाय रख के लेके जाना है, तो इसमें गर्म रहेगा. लाइक कीप हॉट एंड कोल्ड दोनों ही रख सकते हैं. इंटरेस्टिंग अगेन, बहुत ही सुंदर दिखने वाला है. आप ऐसा जो है ये गिफ्ट भी कर सकते हैं किसी को, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा गिफ्टिंग ऑप्शन हो सकता है. और अगर आपके लिए, आपको जाते हो काफ़ी ज़्यादा बाहर, चाय वाय का शौक है, कॉफ़ी का शौक है, तो आप इस तरीके की चीज़ रख सकते हो अपनी गाड़ी के पीछे. अच्छा, एक बहुत अच्छी चीज़ आई जो मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ करने वाली हूँ और मैंने काफ़ी लोगों को पहने भी देख लिया, वो है ये हेडफोन्स. और ये हेडफोन्स काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं,
और इसके अंदर जो बहुत ही ज़्यादा साउंड प्रूफ बहुत अच्छा है, आवाज़ भी अंदर नहीं जाती, मैंने ऑलरेडी टेस्ट कर लिया है, काफ़ी अच्छा है और काफ़ी कूल भी है। देखो एक और चीज़ मैंने मंगाई थी जो कि है ब्यूटी क्रीम, दे क्लेम दैट इट्स अ ब्यूटी क्रीम, तो ये ऐसी है आई है और ये देखो, और इसके अंदर ऐसा सा, ये भी आपको दिखा देती हूँ, इस पॉली बैग के अंदर एंड ये। अब वीडियो ख़त्म करने से पहले लाइक और एक दो प्रोडक्ट्स हैं जो दिखाने हैं और कुछ जो टेस्ट करने हैं, मैं ज़रा अपने ऊपर टेस्ट करती हूँ। आई डोंट नो ये कैसा टेस्ट जाएगा, पर स्टिल आई एम ट्राइंग टू डू अ टेस्टिंग विथ यू। चलो फेस पे नहीं करते हैं, हाथ पे कर देते हैं। तो ये ऐसा आया हुआ है ना, और ये है, ठीक है। तो अब हम इसको लगाएंगे। अभी मैं क्या कर रही हूँ, एक हाथ में जो है वो लगा लेती हूँ। मैंने एक हाथ पे लगा दिया है और एक हाथ पे नहीं, एंड सरप्राइजिंगली ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो मैं इसकी लिंक आपको छोड़ दूँगी, तो आप पहले बताओ लेफ्ट हाथ में है या राइट हाथ में है ये जो फाउंडेशन और ब्यूटी क्रीम है, इसमें लगाया। और ये देखो यार काफ़ी अच्छा, यहाँ तक लगाया, काफ़ी अच्छा हो गया। तो भाई जिसको काफ़ी खूबसूरत दिखना उसके लिए आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट प्रोडक्ट। इसके बाद मैंने एक लाइट मंगाई है, ये है सोलर लाइट, और जो बाहर रखी हुई है और दो दिन से सन नहीं आया। मैंने सोचा था कि मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊंगी कि ये कैसी जलती है, पर दो दिन से यहाँ पर मौसम बहुत ही ख़राब हो रहा है, पर वो बाहर है, बाहर कैसी लग रही है वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखो जैसा कि आपको दिख रहा है कि सन बिल्कुल नहीं है, तो जब ये जलेगी तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे डाल दूंगी, इंस्टाग्राम आईडी नीचे फ्लैश कर रही है। और ये सेट जो है ये मैंने मंगाया, इसमें 8 प्लेट्स आई हैं और ये रखने के बाद भी बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं ले रहा। इतनी सारी चीज़ें जो है वो मैंने मंगाई हैं, पर अभी हमें वो दो चीज़ें जो है वो टेस्ट करनी है। हो रहा है, अब हम मैजिक पेपर जो है ये यूज़ करेंगे। थोड़ा गीला कर लिया मैंने, यूज़ करने के बाद ये ऐसा हो गया, काफ़ी साफ हो गया। एक्चुअली मैंने बहुत मेहनत करी नहीं, पर एक्चुअली दिस वर्क्स। क्यूट दिख रहा है, ये देखो ऐसा आया है। वाला जो हमने ऑलरेडी निकाल दिया है, अब दूसरा प्रिंट निकलेगा और टेस्ट, और इसमें ब्लैक एंड वाइट ही निकल रहा है। तो ये देखो प्रिंट आ रहा है इसके मुंह से, खरगोश के। ओके, इंडियन गर्ल इन यूरोप, दीपक ने लिखा है, ग्रेट। ओके, टेस्टेड एंड सक्सेसफुल, और कुछ चीज़ निकल रही है, बट एक्चुअली दिस इज फन राइट। इससे बारकोड भी निकाला जा सकता है, छोटे से प्रिंटर, कुछ भी प्रिंट करना है, नाम वाम वो भी। एंड क्या है ये तो दीपक है, ये तो तारा है। तो ये था टेमू हॉल, लिंक्स जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूंगी। अगर आपकी कोई काम की चीज़ हो तो ऑफ कोर्स आप जो है वो ऑर्डर कर सकते हो। साथ ही साथ मैं आप लोगों को 100 यूरोस के बंडल का कूपन कोड दे रही हूँ जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिलेगा। तो अगर आप न्यू ऐप यूज़र हो जर्मनी या यूरोप में तो आपको डिस्काउंट मिलेगा उस पर, कूपन कोड है, तो जस्ट यूज़ इट। और आपको भी अगर कुछ अच्छे ऑप्शंस दिख रहे हैं टेमू में तो वो कौन से हैं, या आपने कुछ मंगवाया है तो वो क्या मंगाया है वो ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। हो सकता है आपने जो चीज़ मंगाई है उससे मुझे भी आइडिया आए और मैं भी अगली बार जो है वो उस तरीके के प्रोडक्ट्स को जो है वो आपके लिए टेस्ट कर सकूं। बाकी इस तरीके के वीडियो आपको कैसे लगते हैं, जो हॉल वीडियो होते हैं या मेरे जो शॉपिंग वीडियो होते हैं वो कैसे लगते हैं, वो ज़रूर कमेंट करना, मैं आप लोगों के कमेंट का वेट करूंगी। प्लस अगर आपने वीडियो जो है वो अभी तक देखा है तो लाइक सब्सक्राइब करें बिना मत जाना, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए।
टाइम टू टाइम पे सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आऊँ, ताकि जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं यहाँ पर या जो चीज़ मैं यहाँ पर ट्राई कर रही हूँ, टेस्ट कर रही हूँ, वो चीज़ आपको पहले से ही बता दूँ, ताकि अगर आप भी ऐसा कुछ करने वाले हैं या आप भी कुछ मंगाने वाले हैं तो आपको पहले ही जो है वो चीज़ें पता चल जाए। तो उसके लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। बाकी हमारा जो कूपन कोड है वो यूज़ करना मत भूलना, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।